इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की फिल्म रॉबिंग मुसोलिनी के बारे में, जो कहानी है एक इटालियन चोर की जिसने वॉर के दौरान कुछ अजीब से लोगों का एक ग्रुप तैयार किया जिनके साथ मिलकर वो बेनितो मुसोलिनी के मशहूर खजाने को लूटने वाला है। 1945 में जब वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे, तब मिलान शहर में इसोला पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड इवॉन के साथ इटली से भाग निकलना चाहता था क्योंकि मुसोलिनी नाम के डिक्टेटर ने उस देश को बर्बाद कर दिया था और पैसों के लिए उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। वो हथियार चुरा कर बेचा करता था, पर इस बार हथियार के पैसे देने के बजाय कुछ क्रांतिकारी उससे जबरदस्ती हथियार चुराने लगे। उसके दोस्त मार्सेलो ने उसे हथियार के पैसे पाने में मदद की, पर पैसे लेने से पहले ही वहाँ फासिस्ट सिपाही आ पहुँचे और इसोला ने सारे पैसे और हथियार खो दिए। इटली से भागने के उसके प्लान पर पानी फिर गया और उसे सही वक्त पर बचाकर मार्सेलो ने उसे उस क्लब तक पहुँचाया जहाँ इवॉन काम करती है। उस क्लब का मालिक बोर्सेलिनो एक फासिस्ट सिपाही है जिसके पास अक्सर ना चाहते हुए भी इवॉन को जाना पड़ता है और ये बात इसोला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मार्सेलो के साथ साथ अमेदियो नाम का लड़का भी इसोला के टीम का हिस्सा था। बोर्सेलिनो अपनी निजी जिंदगी में इतना उलझा हुआ था कि वो ये नहीं जान पाया कि उस पर नजर रखी जा रही है। मार्सेलो वो सारे मैसेजेस टैप कर रहा था जो बोर्सेलिनो को मिल रहे थे और इन्हीं मैसेजेस के जरिए उन्हें हथियारों के बारे में पता चल रहा था। कई घंटों तक मैसेज समझने की कोशिश के बाद आखिरकार अमेदियो को पता चला कि उस कोडेड मैसेज में क्या लिखा है और मैसेज पढ़कर इसोला को पता चला कि मुसोलिनी इटली के खजाने को लेकर अपने सिपाहियों के साथ देश छोड़कर भागने वाला है। इसोला ने उस खजाने को चुराने का फैसला किया, पर जिस इलाके में वो खजाना है वो बहुत खतरनाक इलाका है और वहाँ बोर्सेलिनो का राज चलता है, इसलिए इस काम में इवॉन की मदद जरूरी है। सिर्फ इवॉन ही नहीं, मार्सेलो भी जानता था कि ये खजाना चुराना नामुमकिन है। इटली का सबसे खतरनाक इलाका जहाँ सैकड़ों सिपाही तैनात है, वहाँ एक कदम रखना भी जानलेवा हो सकता है। पर इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन लोगों के पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त था और ये जानकर मार्सेलो की परेशानी और बढ़ गई। अचानक वहाँ बमबारी के लिए प्लेन आ पहुँचे और तब इसोला को एक आइडिया मिला। अब इसोला को अपनी टीम के लिए तीन और लोगों की जरूरत थी, जिनमें से एक मोलोटोव नाम का एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट है, दूसरी हैसा नाम की चोर है जिसे अमेदियो पसंद करता है और तीसरा फाबरी नाम का एक ड्राइवर है जो एक समय में रेसिंग में इटली का हीरो हुआ करता था, मगर अब वो दुनिया से छुपकर एक चर्च में रहने लगा है। अपनी टीम तैयार करके इसोला उन्हें अपने नए ऑफिस में ले गया, पर मार्सेलो अब भी प्लान को लेकर डरा हुआ था। अब उन्हें सिर्फ मोलोटोव को जेल से आजाद करना था और फांसी पर चढ़ने से पहले सही वक्त पर वो लोग ऐसा करने की कोशिश में लग गए। मोलोटोव को बचाकर वो लोग उसे पुलिस से दूर ले आए और जल्द ही चोरी की तैयारी शुरू हुई। इसोला ने हर एक मेंबर को उनका रोल समझाया। सबसे पहले नकली कागज बनाने का काम होगा और कागज के लिए ऑफिशियल स्टैंप लाने का काम इवॉन करेगी। इसके बाद फाबरी उन्हें गाड़ी में उस इलाके में ले जाएगा जहां सैनिक तैनात है और उन सिपाहियों का ध्यान भटकाकर वो लोग उन्हें एक बंकर में बंद कर देंगे। ये काम वो लोग एक नकली सायरन बजाकर करेंगे जिसे सुनकर सिपाही सायरन के टावर में घुस जाएंगे और तब मोलोटोव के बनाए एक्सप्लोसिव को पूरे इलाके में फैला दिया जाएगा। इसोला का मानना था कि इस प्लान के कामयाब होने में कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि दुनिया के लिए चाहे ये टीम अजीब लोगों की टोली हो, पर इसोला जानता था कि ये एक्सपर्ट्स की टीम है। अपने मकसद को पूरा करके वो लोग मुसोलिनी को उसके पापों की सजा भी दे देंगे और ये सुनकर मोलोटोव खुश हो गया। इसोला को अब बॉम्ब तैयार करने के लिए वो बारूद वापस चुराने होंगे जो उसने क्रांतिकारियों को बेचते हुए खो दिए थे। वो बारूद और हथियारों का सामान नोरा नाम की एक्ट्रेस के बंगले में रखे गए हैं जो बोर्सेलिनो की पत्नी है। इवॉन अब भी इसोला के प्लान से सहमत नहीं थी क्योंकि बोर्सेलिनो एक हैवान है जो इसोला की जान ले लेगा। उसी वक्त वहाँ से बच निकलने की कोशिश में इसोला बोर्सेलिनो के हाथ लग गया और वो उसे अपने साथ उस इलाके से दूर ले गया। उसने पहले भी इसोला को इवॉन से दूर रहने के लिए कहा था, पर इसोला ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए अब वो इसोला को धमकाने लगा। उसकी इस हरकत ने इसोला के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत कर दिए और चोरी से चार दिन पहले वो अपनी टीम के साथ नोरा के घर में हो रही पार्टी का हिस्सा बन गया। दूसरी ओर मार्सेलो और मोलोटोव इसोला के पिता को याद करने लगे जो उनका दोस्त हुआ करता था। तभी मार्सेलो को पता चला कि क्रांतिकारियों का लीडर अब भी उस पार्टी में पहुंचा है। इसोला उस आदमी तक पहुंचने में कामयाब हुआ जिसने बारूद और हथियार बंगले में छुपाए हैं। और मौका मिलते ही वो लोग सामान गाड़ी में भरने लगे।
फाबरी को नजर रखने के लिए कहा गया था, पर काम से ध्यान हटाकर वो शराब की ओर चला गया। कुछ देर बाद अहब भी उस आदमी तक पहुंच गया और फाबरी की वजह से वो इसोला तक भी पहुंच गया। सही वक्त पर फाबरी वहां आ पहुंचा और हथियार के साथ वो लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। अब सिर्फ स्टैम्प चुराने की देरी थी, जिसके लिए ना चाहते हुए भी इवॉन तैयार हो गई। स्टैम्प चुराने की कोशिश में इवॉन का डर और बढ़ गया, पर बोर्सेलिनो उसे अपने साथ उस ब्लैक जोन में ले गया जहां खजाना छुपा कर रखा है, और बोर्सेलिनो उसी खजाने के सामने इवॉन को ले गया जो खजाना इटली के 20 साल का इतिहास है। बोर्सेलिनो ने बताया कि वो लोग मुसोलिनी के साथ स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं और वो चाहता है कि इवॉन भी उसके साथ चले। एक तरफ बॉम्ब तैयार करने का काम शुरू हुआ तो दूसरी तरफ नोरा की बोर्सेलिनो को पाने की कोशिश शुरू हुई। नोरा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि बोर्सेलिनो उसे छोड़कर इवॉन पर नजरें जमाए बैठा है, पर बोर्सेलिनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच इवॉन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, पर कोई भी ये समझ नहीं पाया कि उसे हुआ क्या है। गाते हुए वो स्टेज पर रोने लगी और अचानक बेहोश हो गई, और जब इसोला उसे संभालने की कोशिश करने लगा तब उसके और बोर्सेलिनो के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस बार फाबरी उसे बचा नहीं पाया, पर किसी तरह इसोला इवॉन को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हुआ। इस सब की वजह से बोर्सेलिनो के सिपाहियों को इसोला की दुकान यानी कि उसके नए ऑफिस पर हमला करने के ऑर्डर्स दे दिए गए। और जब इवॉन को लेकर वो अपने घर पहुंचा, तब उसे इस हमले के बारे में पता चला। फाबरी का कहना था कि उन्हें अपने प्लान को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हर किसी को सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत है, पर अपने प्लान से पीछे हटना अब नामुमकिन था। बोर्सेलिनो इवॉन को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर ना तो वो इसोला के घर का पता जानता था और ना ही इवॉन के प्रेग्नेंट होने का सच। अपने होने वाले बच्चे की बात करते हुए इसोला कहने लगा कि प्लान पूरा होते ही वो अपने बच्चे को सारी खुशियां दे पाएंगे, और ठीक उस वक्त नोरा उस घर में आ पहुंची। सच ये था कि नोरा का असली नाम जियाना है और वो इस प्लान के बारे में सब कुछ जानती थी, क्योंकि वो उन सब पर नजर रख रही थी। इतना ही नहीं, बोर्सेलिनो का बॉडीगार्ड खुद नोरा से मिला हुआ था और उसका नोरा के साथ अफेयर भी चल रहा था। नोरा अपने पति से नफरत करती थी, इसलिए उसे बर्बाद करना चाहती थी। उसी की वजह से आज इसोला की टीम को पता चला कि अब उनके पास प्लान को अंजाम देने के लिए 3 दिनों का नहीं बल्कि सिर्फ 20 घंटों का वक्त बचा है, और इसोला को इस प्लान का आधा हिस्सा देकर नोरा को शामिल करना पड़ा। इस बात को लेकर उसकी इवॉन से बहस हो गई। बहस के बीच इसोला ने कह दिया कि वो ये तक नहीं जानता कि इवॉन का बच्चा उसका है या बोर्सेलिनो का, और इस बात ने इवॉन का दिल तोड़ दिया। अपना काम पूरा करके इवॉन वहां से चली गई और इसोला ने प्लान पर फोकस करना शुरू किया। सिपाहियों की गाड़ी चुराकर उन्होंने इसोला को नकली बंदी बनाया, और नकली कागज के साथ वो लोग ब्लैक जोन में पहुंच गए। मार्सेलो, अमेडियो और हैसा गाड़ी में छुपे रहे, जिसकी वजह से किसी को शक नहीं हुआ और बिना किसी परेशानी के वो लोग सिपाहियों की नजरों से बच पाए। हैसा साइरन टावर की ओर बढ़ी और अमेडियो मोलोटोव के साथ बॉम्ब पूरे जोन में फैलाने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ सिपाहियों को इसोला की गिरफ्तारी पर शक होने लगा। एक तरफ साइरन टावर में जाकर हैसा ने एक ऑफिसर को बंदी बना लिया, तो दूसरी तरफ बोर्सेलिनो ने इवॉन को बंदी बना लिया था। उसी वक्त एक ऑफिसर ने बोर्सेलिनो को इसोला के बारे में बता दिया, और सही वक्त पर हैसा ने साइरन बजा दिया। बॉम्ब प्लांट करते हुए मोलोटोव को एक सिपाही ने गोली मार दी और हैसा भी पकड़ी गई। अफरा तफरी तो मच गई, पर प्लान के मुताबिक मोलोटोव ने बॉम्ब ब्लास्ट करके अपनी जान दी और सारे सिपाहियों को हमले से बचने के लिए बंकर की ओर जाना पड़ा। इस अफरा तफरी में हैसा भी मरते मरते बची, पर इसोला और उसके साथी खजाने तक पहुंचने में कामयाब हुए। जब उन्हें पता चला कि मोलोटोव ने अपनी जान खो दी है तो उनकी सारी खुशियां खत्म हो गई, पर मार्सेलो ने समझाया कि मोलोटोव कभी पैसों के लिए ये काम कर ही नहीं रहा था। जल्द ही नोरा भी वहां आ पहुंची और इसोला को पता चला कि उसने बोर्सेलिनो को अपने हाथों से मार दिया है।
सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर फिर उसने इसोला को धोखा देकर सारा खजाना अकेले ले जाने का फैसला किया और अपनी मांग पूरी करवाने के लिए उसने इवोन का इस्तेमाल किया। इसोला को कमजोर करके वो खजाना और इवोन दोनों को अपने साथ ले जाने लगी, पर ठीक उस वक्त अहब अपने साथियों के साथ उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। अहब को उस जगह का पता इवोन ने दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि इसोला का प्लान काम नहीं करेगा और वो लोग नोरा पर भरोसा नहीं कर सकते। मगर अब जब नोरा इवोन को अपने साथ ले गई, तो अहब ने अपनी जान जोखिम में डालने से इनकार कर दिया। आगे का काम इसोला की टीम को खुद करना था और इसमें एक इटालियन रेस कार ने उनकी मदद की। फाबरी, जो एक रेसर हुआ करता था, आखिरकार अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर पाया और वो इसोला के साथ नोरा तक पहुंच गया। नोरा के साथियों से लड़कर उन दोनों ने गलती से खजाने से भरी गाड़ी तालाब में धकेल दी और फाबरी को लगा कि उसने इवोन और इसोला को भी खजाने के साथ खो दिया है, मगर इवोन ने इसोला को बचा लिया। उन लोगों ने खजाना खो दिया, पर इसोला अब भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने खजाना तालाब से निकालने का फैसला कर लिया। अंत में फाबरी इस प्लान के बारे में सोचता रहा, पर कोई भी ये नहीं जानता था कि नोरा अब भी जिंदा है और उनके इस प्लान पर भी पानी फेर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।